नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। धोया बराड़ा रोड पर हैफेड गोदाम के समीप स्थित 14 दुकानों को दर्जन भर युवकों ने हथियारों से लैस होकर पीले पंजे से ध्वस्त करवाने के बाद पुलिस स्टेशन बराड़ा में 3 जून को विभिन्न धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्यों के खिलाफ दर्ज मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएचओ बराड़ा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि इस केस में अंबाला के जग्गी प्रॉपर्टी डीलर के संचालक हरदीप सिंह जग्गी और उनके बेटे सरबजोत सिंह जग्गी को आज अदालत से अग्रिम जमानत की याचिका पर कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 जून निर्धारित की है। मिली जानकारी के अनुसार अधोया बराड़ा रोड पर हैफेड गोदामों के समीप रूहानी सत्संग घर बराड़ा की दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि अब इस लगभग 1.5 एकड़ जमीन को किसी प्रॉपर्टी डीलर की ओर से खरीद के लिए सौदा किया गया है, जिसको खाली करवाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। उक्त प्रॉपर्टी डीलर ने इस जमीन को खाली करवाने के लिए कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया और उन्होंने 3 जून से पहले रात्रि में करीब 1.5 बजे पीला पंजा चलाकर इन दुकानों को जमींदोज़ कर दिया। जैसे इस बारे में रात्रि 2 बजे दुकान मालिकों को पता चला तो उन्होंने तुरंत बराड़ा पुलिस को फोन किया और मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हथियारों से लैस युवकों ने 19 दुकानों में से 14 दुकानों को गिरा दिया था और मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने मौके से जेसीबी और चालक सूर्यभान मौर्य निवासी गांव राजी जगदीशपुर जिला गौरखपुर को पकड़ने में सफलता पाई। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जो भी जेसीबी वगैरह मिला उसका ड्राइवर मिला है उसको पाबंदी किया है और उसको उसी धारा में मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है। ठीक है, और आगे जो मोनू राणा वगैरह जो है जिसकी मेरी इन्वॉल्वमेंट आ रही है इसमें, उसे घर पे रेड की गई है, घर पे नहीं है। और बाकी जेसीबी के मालिक के वहाँ रेड की गई है और बाकी जहाँ जहाँ उचित जिन जिनका नाम भूमिका आ रही है उनको वहाँ रेड की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, उसके खिलाफ भी एफआईआर है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, बिल्कुल दर्ज है। आप देखिए जाके एप्लीकेशन दी थी उसी पे कार्रवाई हुई है। क्या नहीं कर रहा वो अलग बात है, इशारा तो वहाँ से हो रहा है ना। देखिए, जिसकी भूमिका आएगी जहाँ से इशारा हो रहा है सबकी भूमिका कागज पे लाई जाएगी, फाइल पे लाई जाएगी, इसको बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरा सोचन है। और 24 घंटे पीसीआर यही रहेगी। मामला कितने खिलाफ हुआ? ठीक है, कोई मामला अभी तो जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसके नाम उन्होंने दिए थे मोनू राणा और डीलर के खिलाफ जो दिया था इन लोगों ने। आगे जो जेसीबी का ड्राइवर अरेस्ट हुआ है, जो मालिक अरेस्ट हुआ है, कौन उसको लेके आया है, जिसकी भूमिका आएगी उसको अरेस्ट किया जाएगा। 20 साल से बिल लगा हो जमीन, आप मालकाना हक दो, मैं आपको कह रहा हूँ मालकाना हक दो या फिर नुकसान हुआ लेके दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी ये दुकानदार, हाँ जी, ये दुकानदार क्या अंदर में दुकानदारी चलाएंगे बैठे हैं आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते, मैं नहीं कह सकता आप क्या करें क्या ना करें। ठीक है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और बोलिए गरीब आदमी का नुकसान हो, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। सर, पहले भी पुलिस एसोसिएशन देके गई थी इन लोगों को और उसके बाद भी इतनी बड़ी वारदात हुई। सर, सर ऐसे तो बाजार में दुकानें हैं सर, किसी की दुकान में चोरी हो जाए तो पुलिस का होना या ना होना एक बराबर ही लगता है सर। देखिए, हाँ तो ना तो किसी चौकीदार है, जैसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी है चौकीदार ने सर फोन किया ना, आप इसमें लेट आए, इससे पहले तो पुलिस आ चुकी है। अब तो पुलिस रात को रहेगी, हाँ बिल्कुल, 24 घंटे यहाँ रहेगी। ना जाके लेके आए, मैं 2 बजे ना जाके लेके आए, ऐसे उसके बाद आई नहीं यहाँ तो उसके बाद तो पुलिस जब आई है यहाँ जेसीबी ये कार्रवाई कर रही थी, बाकी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई दौड़ दौड़ की, चलो इसीलिए हमने फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, जो नंबर आइडेंटिफाई होगा उसके लेके आएंगे। और बोलिए, उचित कार्रवाई होगी। देखो, नुकसान हुआ है गरीबों को, मैं मानता हूँ, नुकसान बहुत हुआ हमारा, मैं मानता हूँ, रिक्वेस्ट करते हैं जो आगे टाइम है उसके बारे में बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको गोली जा रही करने जा रही आपको कह रहा हूँ, कुछ भी है और बढ़िया इसके बारे में थोड़ा सर उनको भी आप बुला के पूछो ना, जिन्होंने दुकानें बेची है वगैरह जी, हमने तो पता लगा किसको बेची है वगैरह जी, बारे में देखो कोई दरखास्त देगा तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं। अभी सुनाई बात है तो मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, है तो मैं बताइए।